हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय ट्यूटोरियल। दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक सिलेन मेकर सेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं एक नई बैच लॉन्च कर रहा हूं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। दोस्तों, बहुत दिन के बाद बैच लॉन्च कर रहा हूं, काफ़ी दिन से लोग वेट कर रहे थे सर जल्दी से बैच लाइए, बट टाइम नहीं होता। आपको सबको पता है कि अलग अलग जगह पर टाइम डिस्ट्रीब्यूट रहता है, तो फाइनली मैंने अभी टाइम निकाला और 15 जनवरी से न्यू बैच ETAB सेफ और RCDC कंबाइंड कंप्लीट स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट के साथ ऐसा बैच लेके आया हूं कि आपसे एक रिक्वेस्ट तो जरूर करूंगा कि आप लोग सिलेबस को जरूर डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है, एक बार देख लो कि आपको इतनी चीजें आती हैं। मैं पूरा दिन बैठ के यूनिक कंटेंट निकाला और मैंने कहा ऐसा कोर्स बनाऊंगा कि जो कोर्स पढ़ने के बाद आप डायरेक्ट एक बार इंटरव्यू में एंट्री करो, और अगर आप उस कोर्स का 90% भी पढ़ लिए, बिलीव करो उसके बाहर से इंटरव्यू के क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर आपने इंटरव्यू दिया हो और इस सिलेबस को देखो, ETAB सेफ और RCDC प्लस स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट, इस सिलेबस के बाहर से अगर कोई भी क्वेश्चन आया होगा तो मुझे कमेंट करके बता देना कि सर इसके बाहर से आया है, मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस को लगाया। प्लस naukri.com पे जितने जॉब डिस्क्रिप्शंस थे रिलेटेड टू स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग उनको मर्ज किया, और साथ ही साथ जो ETAB का करंट सिलेबस है, सेफ का करंट सिलेबस और RCDC का जो करंट सिलेबस है उसको मिक्स किया। इस तरीके से पूरा एक बार ऑपरेशन किया है मैंने पूरे सिलेबस का, और ऑपरेशन करके ये सिलेबस तैयार किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सिलेबस को चल रहा हूँ दिखाने के लिए, तो कंप्लीट देखिए, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सिलेबस को जरूर डाउनलोड करिए और उनको देख के आपको क्लियर होगा कि ओके ये है। दोस्तों, स्पोर्ट्स की फी मैंने बहुत कम रखी है, उसका रीजन ये है कि मुझे किसी को पे नहीं करना है, मैं खुद ही टीच करता हूँ और सब कुछ, मैं वन मैन आर्मी मैं ही हूँ। तो डेफिनेटली मेरे लिए ज़्यादा कोर्स ज़्यादा फी रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, रख सकता था मैं, बट मैंने ओनली 7000 रखा है ETAB सेफ और RCDC प्लस स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट। अप्रॉक्स 2 महीने ये कोर्स चलेंगे, टाइम का बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, मैं अपना 100% देता हूँ। बस आपसे उम्मीद ये करूँगा कि आप अपना 100% दो। अगर आपको हाई राइज स्ट्रक्चर डिजाइन करना है तो ये कोर्स बहुत अच्छा है, बट अगर आपको रो हाउसेस बनाना है तो मत करना इनको, क्योंकि ये थोड़ा सा बेसिक से बहुत एडवांस तक जाने वाला हूँ। इसमें मैं स्टैटिक एनालिसिस, डायनेमिक एनालिसिस, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो आपको बोलूंगा कि अगर आप छोटे छोटे G+1 G+2 के लिए सीखने की कोशिश करो तो मत करना इसको, इससे बेटर है कि अपनी 20 जैन से एक न्यू बैच स्टैट की आने वाली, स्टैट प्लस RCDC, उसको कर लेना, वो बेनिफिट होगा। बट जो लड़के बीटेक या BE, ME और MTech किए हैं उनके लिए ये बहुत ही शानदार कोर्स है, और इसको करने के बाद इंटरव्यू क्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें मैंने डायनेमिक एनालिसिस डीप में जाके डिस्कस किया हुआ है, स्टिफनेस कितनी रखनी चाहिए, टाइम हिस्ट्री का क्या मतलब होता है, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है, पुश ओवर एनालिसिस का क्या मतलब होता है। जो कॉन्सेप्ट सुनते हैं और समझ में नहीं आता ना, उन सारे कॉन्सेप्ट को मैंने इसके अंदर डाल दिया है। सेस्मिक एनालिसिस को मैनुअली कैसे कैलकुलेट करेंगे, विंड एनालिसिस को मैनुअली कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक बार आप पूरा देखिए। चल रहा हूँ मैं आपको लैपटॉप पे दिखाने के लिए, क्योंकि बोल के तो सारे टॉपिक कवर नहीं हो पाएंगे, सो बेटर कि लैपटॉप पे आप देखिए, उसके बाद आप नीचे कमेंट करिए कि हाँ सर आपने टाइम लगाया, डेफिनेटली इसमें कुछ यूनिक है, और यूनिक है बिलीव करो, इसीलिए मैंने इतना टाइम लगा के इसको बनाया है। और आपसे उम्मीद करूंगा कि आपको पसंद आएगा, 15 तारीख से ही है, सो फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लेना, ज़्यादा टाइम नहीं है, और उसके बाद स्टार्ट करना है। तो चलिए देखते हैं लैपटॉप में कौन कौन से टॉपिक्स उसके अंदर इंक्लूड है आपके सिलेबस के अंदर। दोस्तों, मैंने इस कोर्स में जो अलग किया है वो सबसे अच्छी चीज क्या क्या किया है, चलिए देखते हैं। और ये कोर्स आपका जो बेस है वो किससे बेस है, ये ETABS सेफ और RCDC से है। मेन ये थ्री सॉफ्टवेयर प्लस ऑल स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट, कौन से कॉन्सेप्ट, जो बैकएंड में लगते हैं, यानी जैसे कि SFD, BMD क्या होता है, बैकएंड में आपको लगता है, विंड एनालिसिस, सिस्मिक एनालिसिस, ये सब मैनुअल कैलकुलेट करेंगे हम लोग ऑल स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट के अंदर, और ये तो आपको कंप्लीट देखना है। तो इसका कुछ मैंने जो सिलेबस है थोड़ा ऐसा किया है कि इंडस्ट्री बेस्ड हो पूरा का पूरा सिलेबस, तो डेफिनेटली चलिए दिखाते हैं आपको इंडस्ट्री बेस्ड क्या है सिलेबस में। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं वैसे तो यहाँ से, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ऑल कोर्सेस कंटेंट जो कि ETAB का जो मेन कोर्स है उसमें दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ की ETAB के बारे में बताया जाएगा, स्ट्रक्चर कब बना, ये कब क्यों यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें अर्थक्वेक टर्म्स लाइक मास क्या होता है, मॉडल केसेस क्या होता है, सॉफ्ट स्टोरी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इन सबको डिटेल में समझेंगे। फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होता है, मास को कम कैसे कर सकते हैं, मॉडल मास कैसे लगाते हैं, सॉफ्ट स्टोरी कौन सी होती है, सॉफ्ट स्टोरी हो गई तो उसके लिए क्या रूल्स कर सकते हैं,
टाइम पीरियड कितना होना चाहिए व्हेन डिफाइन थिन सेल थिक सेल और मेम्ब्रेन ETABS। देखते हो आपने जब स्लैब डिफाइन करते हो, कुछ लोगों ने सीखा भी होगा तुमको पता होगा कि उसमें थिक होता है, थिन होता है, मेम्ब्रेन होता है, जनरली हम मेम्ब्रेन लेते हैं, क्यों लेते हैं, ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। सेमी रिजिड और रिजिड डायफ्रेम क्या होता है, डायफ्रेम सीजी को एक करने के लिए यूज करते हैं, वो सब पढ़ाया जाएगा इसमें। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर सिस्टम, कितने टाइप के स्ट्रक्चर, कौन कौन से टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टैटिक एनालिसिस, डायनेमिक एनालिसिस आपको पढ़ाया जाएगा। स्केलिंग ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक, कितना स्केल पे ओके है, कितना स्केल पे ओके नहीं है। बेसिक विंड स्पीड एंड सिस्मिक फोर्स बिल्डिंग एंड इट्स कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। लाइव लोड रिडक्शन, लाइव लोड कम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आपको मेरे से कॉन्टेक्ट करने के लिए भी मैं सिग्नल ज़्यादा यूज कर रहा हूँ, तो सिग्नल और व्हाट्सएप दोनों यूज कर सकते हो आप। टॉर्जनल इरेगुलरिटीज कॉन्सेप्ट एंड इट्स चेक, कैसे टॉर्जनल वर्क करता है, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। स्टोरी डिस्प्लेसमेंट, स्टोरी ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट रेशियो, आईएस क्लॉज, ये सब इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको बता नहीं सकता। वो आपसे पूछेंगे स्टोरी ड्रिफ्ट, बता नहीं सकता तो फिर बताऊंगा क्या, मजाक कर रहा हूँ। तो क्या बोलते हैं, स्टोरी डिस्प्लेसमेंट और स्टोरी ड्रिफ्ट, और उसके बाद ड्रिफ्ट रेशियो और आईएस क्लॉज, स्ट्रॉन्ग कॉलम वीक कॉलम क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, सॉफ्ट स्टोरी क्या होता है, शॉर्ट स्टोरी क्या होता है, मास पार्टिसिपेट रेशियो। अब आप लोग अगर इंटरव्यू दिए होंगे स्ट्रक्चर का, तो आपको अच्छे से पता होगा किस तरीके के बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में। उसके बाद एज पर आईएस कोड, साथ ही साथ आईएस 16700 और आईएस 2017 क्राइटेरिया क्या होता है स्ट्रक्चर सेफ्टी के लिए। टॉल स्ट्रक्चर जो होता है ना आपका, टॉल स्ट्रक्चर में आपको आईएस 456 के साथ ये आपको कोड यूज करना पड़ता है। क्या क्या रूल्स होते हैं ये सब डिस्कस करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ रिजिडिटी, लोड कॉम्बिनेशन कैसे लगाएं, कौन सा लगाएं कि परफेक्ट रेनफोर्समेंट आए। कभी कभी आप देखते होंगे आपका रेनफोर्समेंट दिखा रहा है 8 बार 20 mm का, बट 20 mm का 8 बार बहुत होता है, क्या लगना चाहिए क्या, तो वो लोड कॉम्बिनेशन पे बेस्ड होता है। डक्टाइल डिटेलिंग कैसे करेंगे मेंबर्स का, वो हम लोग इसके अंदर देखेंगे। इसके साथ दोस्तों ये अपना कुछ लेवल्स में इनको वही चीज़ों को मैंने लेवल में डिफाइन किया हुआ है। तो लेवल वन में तो बेसिक इंट्रोडक्शन सीखेंगे, डिजाइन कोड्स क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं, ग्रिड कैसे बनाते हैं, नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। यहाँ पर अगर यूरोपियन कोड से मटेरियल डिफाइन करना हुआ, यूनाइटेड या फिर किसी भी कंट्री के कोड से आपको रेनफोर्समेंट वगैरह डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, वो सब देखेंगे लेवल वन में। उसके साथ फ्लोर कैसे लगाएंगे, बीम कॉलम कैसे लगाएंगे, प्लान कैसे बनाएंगे, एलिवेशन 3D में कैसे तैयार करेंगे, सेकेंडरी बार कैसे लगाएंगे, वॉल डोर वॉल ओपनिंग्स, बहुत कुछ है दोस्तों इसमें। मैं सारा नहीं इसमें जो इंपॉर्टेंट वो पढ़ दे रहा हूँ आपको। डिफाइन लोड पैटर्न, डिफाइन लोड केसेस, लोड कॉम्बिनेशन, मॉडल केसेस, पी डेल्टा पूरा कंप्लीट आपको एक्सेल पे आप करके देखोगे पी डेल्टा एनालिसिस कब करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजाइन होती है। डिफाइन डायफ्रेम कैसे करेंगे, साइन स्ट्रेंथ कैसे करेंगे, ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। असाइन सेल स्ट्रक्चर ये सब क्या है। अब ये सब ना अपने आप में एक टॉपिक है पूरे के पूरे, पी डेल्टा एक अलग ही टॉपिक है। अब लेवल टू में हम क्या देखेंगे, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम्स। तो इसमें आप इसको एक एक करके देख लेना, सपोर्ट है, SFD BMD जनरेट करके देखेंगे, एक्सियल लोड जनरेट करके देखेंगे, डिफ्लेक्शन देखेंगे, तो वो सब यहाँ पर लिखा हुआ। ग्रिड मटेरियल जॉइंट्स कितने होते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, रीडिजाइन कैसे करेंगे। लेवल थ्री में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स ऑफ द ETABS। ETAB में रेसिडेंशियल बिल्डिंग कैसे डिजाइन करेंगे, तो प्रैक्टिकली आपको कैसे कैसे ग्रिड बनाना होता है, कैसे करना होता है, बालकनी कैसे डिफाइन करना है, स्टेयरकेस कैसे डिफाइन करना है, उनका लोड कैसे कैलकुलेट करना है, वो सब कुछ इसके अंदर रखा हुआ है। इसके साथ दोस्तों जो नेक्स्ट, अभी मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपको मैं PDF दे रहा हूँ, तो आप पढ़ लेना, बहुत कुछ है इसमें। और PMM इंट्रोडक्शन क्या होता है, और उसका बीम कॉलम कैपेसिटी क्या होती है, रीवार परसेंटेज, स्टोरी डिस्प्लेसमेंट, स्टोरी ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट रेशियो, टॉर्जनल इरेगुलरिटीज, डिटेलिंग ऑफ कॉलम रिवर्स, ये सब कुछ है इसके अंदर दोस्तों। इसके बाद और आगे आओगे आप तो यहाँ पर डिटेलिंग ऑफ लेटरल टाइज कैसे डिटेल करते हैं, एक्सेल में रिजल्ट कैसे ले जाएंगे, एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, किसी को ड्राइंग देना है तो ड्राइंग कैसे देंगे, वो भी हम इसके अंदर देखने वाले हैं दोस्तों। सिस्मिक वेट, बेस ईयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिजाइन ऑफ स्लैब, डिजाइन ऑफ कॉलम, बीम कैलकुलेशन, सिस्मिक का कितना आया, स्टोरी सीयर कितना आया, यहाँ पर दो बार मैंने कॉपी कर दिया है। इसके बाद दोस्तों लेवल फोर में हम लोग देखेंगे 15 स्टोरी की हाई रेंज बिल्डिंग बनाएंगे, और उसमें कंप्लीट हाई रेंज बिल्डिंग में क्या क्या रूल्स लगते हैं, कंप्लीट प्रोजेक्ट मैं करके खुद से दिखाऊंगा आपको कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, कैसे कॉलम के साइज को रिड्यूस करना चाहिए, क्या क्या उसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और ये सब रिव्यू करेंगे कि सब कुछ सही है क्या, डायनेमिक रिव्यू करेंगे। फिर दोस्तों ये कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स करेंगे हम लोग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाएंगे, कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाएंगे, स्कूल बिल्डिंग, हॉस्पिटल बिल्डिंग,
स्लैब मैनुअल डिजाइन, मैंने कोशिश की कि इतना ज्यादा इतना सब कुछ कवर कर लिया जाए कि कहीं से कुछ छूटे ही ना। विंडो सेस्मिक का मैनुअल, इंपॉर्टेंट पॉइंट आई इस कोड के, ऑल इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट, कौन कौन से कॉन्सेप्ट आगे लिखा भी है मैंने। सेफ का ये पूरा का पूरा सिलेबस है, आप एक बार इसको भी गो थ्रू खोल लेना, जिसमें ड्रॉप पैनल कैसे डिफाइन करेंगे ये सारी चीज़ें हैं। एक अलग से वेबिनार भी मैं करने की सोच रहा हूँ इस पे, और एक्सेल कॉलम और उसके बाई एक्सेल कॉलम है तो उसके लिए क्या करेंगे, आई एस कोड कैसे यूज करेंगे, कंबाइंड फुटिंग में का एग्जांपल लेंगे हम लोग, मैट फुटिंग करेंगे, मतलब राफ्ट फुटिंग कैसे डिज़ाइन करेंगे, और उसके साथ हम लोग फुल बिल्डिंग का इंपोर्ट कैसे करेंगे ETABS से या किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर से सेफ के अंदर, वो सारा कुछ इसके अंदर देखेंगे दोस्तों। इसके साथ लेवल 7 में हम लोग RCDC सीखेंगे, बीम डिज़ाइन, कॉलम डिजाइन, फुटिंग डिज़ाइन, फुटिंग के अंदर ये सारी फुटिंग, चारों फुटिंग हम लोग देखेंगे, स्लैब डिज़ाइन, स्टेयरकेस डिज़ाइन ये भी देखेंगे इसके अंदर हम लोग। ऑल स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम पढ़ेंगे, SFD BMD पढ़ेंगे, कैसे मैनुअल कैलकुलेट करते हैं, सॉफ्टवेयर पे क्या वही डाटा आता है क्या ये देखेंगे, सीयर वॉल क्या होता है, कितने टाइप है उसके, टाइप्स ऑफ सीयर, टाइप्स ऑफ फुटिंग, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ स्लैब, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, इंपॉर्टेंट की पॉइंट फॉर IS 456 में कौन कौन सी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, IS 800 में कौन कौन सी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर टैंक का लोड कैसे लगाते हैं, डायनेमिक एनालिसिस कैसे करते हैं। डायनेमिक एनालिसिस का अपना 3 लेक्चर्स चलने वाला है, क्यों डायनेमिक एनालिसिस बहुत डीप में जाएंगे, उसमें स्टिफनेस कितनी होनी चाहिए, उसमें CSSD रूल क्या होते हैं, ये सब कुछ है। 3 से 4 लेक्चर सिर्फ और सिर्फ हम लोग डायनेमिक एनालिसिस पढ़ेंगे। अमेरिकन कोड में क्या क्या चीज़ें पढ़ना चाहिए, क्योंकि अमेरिकन कोड पूरा तो कोई नहीं पढ़ सकता जैसे इंडियन कोड का आपने पढ़ा है, तो उसमें कौन कौन से चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में कौन कौन से पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सारा कुछ इसके अंदर है दोस्तों। और इसका साथ ही साथ आप यहाँ पे मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इसका जो फी आई थिंक यहाँ लिखा नहीं है क्या, लिखा होगा आई थिंक 2 ईयर्स का हम लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग सेशन रखेंगे लाइव क्लासेस का, और रजिस्टर्ड आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, मतलब क्लास के बाद आपको 2 घंटे के बाद डेली रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगी, ठीक है जी। कॉर्पोरेट लेवल की ट्रेनिंग आपको दी, सिलेबस देख के आपको समझ आ गया होगा, बेसिक से कॉर्पोरेट तक पूरा है। डेली क्लास में तो क्वेश्चन आंसर हम करते ही है, उसके अलावा भी मैं सबके लिए डेली में इवनिंग में मतलब नाइट में मैं 10:30 से 11 o'clock डेली ऑनलाइन आता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सको। इवन आज भी आऊँगा, सो आपको आज भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक मिल जाएगा, आपको कभी भी आके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। प्लस 1 घंटे की हमारी क्लास होती है, आधा घंटा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर होता है। मेरा मानना है कि अगर स्ट्रक्चर इंजीनियर क्वेश्चन आंसर नहीं करेगा तो क्लियर हो ही नहीं सकते उसके कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता तो डिज़ाइन करेगा उसको डर लगा रहेगा, उसके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे। तो डिज़ाइन इंजीनियरिंग एक ऐसा डोमेन है जिसको हम लोग जब तक स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग ऐसा डोमेन है जिसको जब तक हम प्रैक्टिकली बार बार पूछेंगे नहीं, क्रॉस चेक नहीं करेंगे, क्लियर ही नहीं होगा। इसलिए मेरा मेन फोकस है कि आधा घंटा डेली क्लास में क्वेश्चन आंसर सेशन रखने का, और उसके साथ तो मैं डेली रात में आता ही ऑनलाइन, उधर भी आप डिस्कस कर सकते हैं। कोर्स ड्यूरेशन इसका 2 मंथ है, हाँ इसमें लिखा हुआ 7K इसकी फ़ी है, और मैं बताना भूल गया जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए 1K का फ़ी ऑफ रहेगा, मतलब उनको केवल 6K पे करना पड़ेगा, जो न्यू स्टूडेंट है उनको 7K, न्यू स्टूडेंट जो नया कोर्स करेंगे उनको भी 1000 का ऑफ मिलेगा, सबको मेरी तरफ से गिफ्ट रहता है एक तरीके से। रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आप गूगल पे फ़ोनपे से करके, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो डायरेक्ट अपने स्क्रीनशॉट, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, अपना बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। तो डेफिनेटली आप इतना ट्रस्ट करना कि आपको मैं अपना बेहतर दूंगा, जो भी मेरे को आता है डेफिनेटली अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो सब कुछ मैं लगा दूंगा, जिससे कि आपको किसी भी इंटरव्यू में जाओ, अगर स्ट्रक्चर का इंटरव्यू हो तो सबसे पहली बात तो वो पूछ ले कि आपने सीखा कहाँ से है, ये मेरी कोशिश रहेगी। और साथ ही साथ आप कहाँ पर कहीं पर काम करते हो तो वहाँ पर सबको पता चल जाए कि ये बंदा वहाँ से सीखा है इसलिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो मेरा मेन मोटो ये है कि आपको उस लेवल तक पहुँचाना है, तो आइए और साथ में जुड़ के आगे कंटिन्यू करते हैं जी। गाइस आपने देखा कोर्स कैसा था, कमेंट करके जरूर बताना, बहुत रिसर्च किया है, पूरा दिन लगाया है आप लोगों के लिए, सो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा पाए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर सच में अच्छा लगा है, डेफिनेटली आपको नहीं सीखना कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हो सकता है आपने पहले से सीखा हो, ठीक है, या हो सकता है कुछ फाइनेंस का इशू हो, तो इसको दूसरे लोगों तक जरूर शेयर कर देना जिससे कि उनको लाभ मिल सके। हो सकता है वो जॉब के लिए परेशान हो तो डेफिनेटली उनको ये इस पर जॉब मिल जाए। और साथ ही साथ मेरा ये जो डेडिकेशन के साथ सिलेबस आपने देखा और ये जो कोर्स का कॉन्सेप्ट देखा, आपको कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें अप्रिशिएट करता है। और डेफिनेटली आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि सर इस कोर्स को आपने यूट्यूब पे क्यों नहीं लॉन्च किया, तो देखो यार यूट्यूब पे 10 मिनट से ज्यादा का वीडियो डालना, मतलब समझो कि कोई भी नहीं पढ़ता है 10 मिनट से ज्यादा। मैं एवरेज वीडियो रेशन हर वीडियो का देखता हूँ, और 10 मिनट में अगर इस कोर्स को करूंगा, ये 2 महीने का कोर्स है, अप्रॉक्स अगर इसको कैलकुलेट कर 2 × 6 मतलब साल भर का कोर्स हो जाएगा,
YouTube के अकॉर्डिंग साल भर का कोर्स होगा, प्लस साल भर अगर मैं YouTube पे ये सीरीज बनाता बैठूंगा तो आपके अलग अलग टॉपिक के भी कमेंट आएंगे। अगर मान लीजिए ETABS पढ़ा रहा हूँ तो आप बोलोगे सर एक बार स्टैट प्रो का वीडियो बनाओ, स्टैट प्रो पढ़ाऊंगा आप बोलोगे टेक्ला को बनाओ, तो सीरीज चल नहीं पाएगी। वो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है कि कंटिन्यू नहीं हो पाता है। इसलिए बेटर कि हम इसको डेडिकेशन के साथ, बहुत ही कम अमाउंट मैंने फी रखा हुआ है और इसमें आप इसको बैठ के पढ़िए। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो इंस्टॉलमेंट कर दीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, जैसा भी आपका रहेगा। डेफिनेटली आपका एजुकेशन विदाउट मनी कुछ ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बट आप क्या माइंडसेट आपका बन चुका है, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि माइंडसेट बन चुका है क्या कि पढ़ना है, करना है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में जॉब लेनी है। दिक्कत यही होता है कि हमारा माइंडसेट ठीक है पढ़ लेंगे तो वो वाला नहीं एक्चुअली। और दूसरी चीज़ ये कि सर्टिफिकेट तो डेफिनेटली मिलेगा, बट केवल सर्टिफिकेट के लिए पढ़ना है तो मत लेना एडमिशन। क्यों? क्योंकि 7,000 रुपये इतने भी आसानी से नहीं मिलते यार, मुझे पता है क्योंकि मैं भी अपने घर के छोटे भाइयों को पढ़ाता हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है कि 7,000 रुपये के अमाउंट है। सो प्लीज़ घर वालों के पैसे नहीं खराब करने, अगर इंटरेस्ट है सीखने का हायर स्ट्रक्चर डिजाइन करने का तो आइए, और अगर सिर्फ सर्टिफिकेट तो मुझे अलग से बता देना, मैं बना के दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इस कोर्स को आप 7,000 रुपये मत इन्वेस्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।